अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्बास बिरमानी और आप देख रहे हैं एबीसी नेचर। दुआएं नेक तमन्नाएं। आज मैं आपको दिखा रहा हूं दो अहम फसलें, अनाज जो निशास्तादार हमारी गिजाएँ हैं, जैसे गंदम होती है, चावल है। ये है बाजरा, ये पक रहा है, पकने वाला है। ऊंचे ऊंचे पौधे और इतने लंबे लंबे खूबसूरत इसके सिट्टे। तो ये मौसम ही, इसी मौसम गर्मियों में ये पकती हैं और इसे खाने के लिए आती हैं चिड़ियाँ। और ये है जनाब ज्वार। ज्वार भी हमारी एक यही अनाज है। इसका सिट्टा आप देखें, उसका बिल्कुल लंबा, इसका ज़रा मोटा और गोल ज्वार। तो इसका खाना भी रोटी बनती है बड़ी लजीज। अमूमन ये बाजरे और ग्वार को साग के साथ या गुड़ के साथ, इसमें देखिए चिड़ियाँ और बड़ी तादाद में चिड़ियाँ। ये साल में दो दफ़ा आती हैं, एक तो जब गंदम पकती है उसके लिए आती हैं, फिर ये बाजरा खाने के लिए आती हैं चुगने के लिए। गंदम के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, इनकी बड़ी बड़ी झारें होती हैं। ये देखें, इस पर उतरी हुई हैं और ये ना खा रही हैं। मुकम्मल तो नहीं पका बाजरा, लेकिन बहरहाल पकने वाला है, दाना बन गया है उसमें। ये चिड़ियाँ उसे मज़े से खा रही हैं। ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनका भी हक है, इनका भी हिस्सा होता है, इन्हें कुछ खाने देना चाहिए। ये स्पैरोज ईटिंग मिलेट, चिड़िया बाजरी। शुक्रिया, सलामत रहें, हाफिज़।